तो आइए दोस्तों, स्वागत है रेडर मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी के पार्ट टू का रिजल्ट आ गया, आप सभी जानते हैं। तो इसके मार्कशीट पे पेपर थर्ड एवं फोर्थ की बजाय 1-2 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए 2016 और 19 सेशन के पार्ट टू रिजल्ट पे। देखिए दोस्तों, हमको लगा कि ये जो है मगध यूनिवर्सिटी ऐसा हमेशा करता है, मतलब कि पार्ट टू में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड लिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ 2016 से 19 सेशन के पार्ट टू रिजल्ट में पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ लिखा हुआ है। यह गलती केवल आप लोगों की मार्कशीट पर है। यहाँ पर देखिए, आप लोगों की मार्कशीट पर पार्ट टू में पेपर थर्ड फोर्थ के बजाय पेपर फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये गलती लगभग सभी किसी की मार्कशीट पे है, और इसमें से अगर किसी का नहीं है, पेपर किसी पर थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, तो जिन पे है वे लोग नीचे कमेंट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो हमको मतलब कि कोई एग्जैक्ट कारण नहीं मिल पाया है कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। इसे भी हम लोग मगध यूनिवर्सिटी का एक गलती मान सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी हमेशा गलती करते रहता है, तो ये भी एक उसका गलती है। और ऐसा हो सकता है कि मगध यूनिवर्सिटी इसको पार्ट थर्ड के रिजल्ट में, मतलब जब फाइनल रिजल्ट आए उस समय इसको सुधार के पेपर थर्ड एंड फोर्थ कर दे, ऐसा हो सकता है। नहीं तो अब इसमें कोई सुधरने का लगभग शायद चांस नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और हाँ, जाते जाते इसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग।